गाइस, दिस इज मीना सिंह। फिर से आपका मेरे चैनल माय क्यूट कॉर्नर में स्वागत है। आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ फिर से मीशो हॉल लेकर आई हूँ। फेस्टिवल टाइम चल रहा है, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोज अपलोड करने की ताकि आप तक वो वीडियोज पहुंच सके। और अगर आप भी वो सामान अपने फेस्टिवल्स पे खरीदना चाहते हैं तो आप भी उनको बाय कर सकें। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आप एक लाइक करेंगे लेकिन वो लाइक मेरे लिए मेरी वीडियो को प्रोग्रेस करेगा, मुझे स्ट्रेंथ देगा, मुझे प्रोग्रेस देगा इस प्रोफेशन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज लाइक कीजिए, मुझे आपकी और आपके लाइक की, आपके इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेकोरेशन का इंटरेस्ट है, अपने घर में मेकओवर करने में इंटरेस्ट आता है, या आप कुछ भी हैंग करना चाहते हैं तो इस तरह के ये मंगवा सकते हैं। इसमें ये स्क्रू मिलते हैं, इसके साथ चार, और इसके साथ हमें मिलता है ये, तो इस तरह से है ये। तो आप इसको वॉल में इस तरह से हैंग करके ऐसे, और यहाँ पे कुछ भी मतलब इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कुछ भी प्लांट हैंग कर सकते हैं, या कोई और जैसे डेकोर पीस होते हैं, धूपदानी होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट हैंग कर सकते हैं। तो ये किसी भी कॉर्नर को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक देगा, कर्टेंस के आसपास या कहीं पे भी आप इसको करके इस तरह से इसको मतलब स्क्रू से लगा के वॉल में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे पीस हैं और ये शायद ब्रास मटेरियल का है, मतलब आगे ऊपर तो इसी तरह का पेंट हो रहा है या फिर मेटल का होगा, तो पेंट इस तरह का होगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। 200 रुपये में मुझे ये दो का सेट मिला है। 200 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं यही कहूँगी आप इसको ले सकते हैं, किसी तरह का इसमें डाउट नहीं है। तो इसका लिंक वगैरह भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। कुछ लाइट्स भी मैंने ऑर्डर की थी तो हो सकता है किसी में लाइट्स वगैरह भी निकलें, क्योंकि दिवाली आ रही है। एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट मेरे डिले हो गए थे, इस वजह से मैं टाइम पे इनको नहीं अपलोड कर पाई। तो ये है, हाँ जी, ये है लीफ LED कर्टेन लाइट। तो ये भी आप ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पर ही यूज़ करें, काफ़ी बड़ी है ये, काफ़ी अच्छा इसमें वो है, मतलब लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी, इतनी बड़ी है ये, देखिए 3 मीटर नहीं, हाफ मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगी। और इसमें ना इस तरह की लीफ बनी हुई है और उसमें LED लगी हुई है लीव्स में, तो ये आप जहाँ पे भी हैंग करेंगे ना बहुत प्यारा लुक देने वाला है। तो अगर आपको थोड़ा सा अपने घर में कोजी एनवायरनमेंट पसंद है लिविंग रूम में, तो आप ना कहीं पे इस तरह की ऐसे इसको हैंग करके और इसको मतलब जला सकते हैं, और उस कॉर्नर पे ना आसपास जैसे आपने कुछ वाज रख दिया या फोटो फ्रेम्स रख दिया तो उस कॉर्नर को एक बहुत प्यारा सा कोजी सा लुक दे सकते हैं, बाकी लाइट्स बंद करके, जैसे इस तरह की थोड़ी सी लाइट्स ऑन करके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पे, ये तो मैंने इसीलिए मंगवाई थी कि मैं हमेशा अपने घर में जलाऊं और इसको यूज़ करूं। तो बहुत सारी लाइट्स, मुझे बड़ी बड़ी लाइट जलाना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा कोजी एनवायरनमेंट पसंद है, तो मैं इस तरह की लाइट्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये तो मैंने रेगुलर यूज़ के लिए अपने लिविंग रूम के लिए मंगाई है, तो इसका भी लिंक वगैरह सब कुछ मैं ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये भी आई थिंक लाइट, हाँ जी, ये भी लाइट है और ये भी मैंने दिवाली के पर्पस के लिए मंगाई है। मुझे जगमग जगमग टाइप बहुत अच्छा लगता है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, मेरा ये मोटो है कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसपे सब चीज़ें भूल के और पूरा ही इंजॉय करना चाहिए। लाइटिंग, मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है, तो चारों तरफ डेकोरेशन, लाइटिंग, दिवाली यानी लाइटिंग, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है लाइट्स वगैरह लगाना। तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ना आजकल ये चल रही है कर्टेन्स लाइट,
तो ये कर्टेन्स लाइट होती है, आप कर्टेन्स पे भी ऐसे एक एक लड़ी आके, जैसे पहले हम लोग बाहर से लगवाते थे या खुद लगाते थे टेप से जो लड़ी का 9 मीटर का गुच्छा आता था, लेकिन ये आजकल इस तरह से आने लगी है कि इसमें आपको अडेप्टर वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा उससे रिचार्ज होके चलती है। ये देखिए आप USB इसमें रिचार्ज कर सकते हो, ये इसके साथ रिमोट मिलता है, इसकी एक एक ऐसे लेंथ एक एक ही अलग हो जाती है, और आप कर्टेन पे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, अपना पूरा मेन डोर है उसके पास ऐसे एक एक लड़ी आएगी, उसको अच्छे से हैंग कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ऊपर से कहीं पे स्विच बोर्ड नहीं है तो वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है, तो आराम से आप जैसे बालकनी में दिवाली पे लगा के छोड़ दीजिए, बस हो गया काम। और ये इस तरह से है तो बहुत प्यारी है, वही है, मैं इसका एक्चुअल फोटो वगैरह आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की लाइट है, ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बाकी जलाने पे पता चलेगा कि कहाँ से, अभी तो ये नहीं जल रही, शायद चार्ज करना पड़ेगा इसको, तो मैं बाद में देखती हूँ कि क्या सीन है, और बाकी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी अगर मेरे से ये अभी जल गई तो। तो ये है सेकेंड लाइट, एक लाइट ऑलरेडी मैं जो दियाज की लाइट है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने मीशो से मंगाई थी। अगला जो पैकेज है वो है ये, तो हाँ ये है कुशन कवर। तो मुझे कोजी लिविंग रूम, कोजी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसे में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो ये उसी के लिए मैंने मंगवाया है। बोहो इस तरह के जो जूट वाले कर्टेन्स होते हैं ना, तो वो ऐसे टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप थोड़ा कोजी कोजी सा लुक देना चाहते हैं, और ये वाले जो कुशन कवर है ना, ये एक अलग ही लुक दे देते हैं आपके लिविंग एरिया को, सोफा को। तो ये मैंने मंगाया है, अभी मैंने एक मंगवाया है, मैं दो मंगवाने वाली थी, लेकिन पहले मैंने सोचा मैं क्वालिटी देख लेती हूँ, तो ये एक भी शायद 200 के आसपास मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं क्वालिटी पहले चेक करना चाहती थी, और क्वालिटी सच में इसकी काफ़ी अच्छी है। इसका जो ये बुनाई की हुई है ये भी बहुत प्यारी है जूट की, और इस तरह से इसके दोनों साइड टेसल्स सी बनी हुई हैं, और काफ़ी हैवी है ये, बिल्कुल भी नहीं लग रहा 200 रुपये का तो, और इसकी जूट की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पीछे इसकी जिप क्लोजर मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको कुशन को डाल के इसको जिप लगा सकते हैं, बिल्कुल बीच में दी हुई है जिप, तो डालने में भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये देख के, और मैं ऐसा एक और मंगाने वाली हूँ, क्योंकि दो मैं चाहती हूँ दो का सेट सोफा पे रहे, तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया। 200 रुपये के अकॉर्डिंग थम्सअप आप ले सकते हैं, फिर मैं कहूंगी दिवाली नहीं, मैंने अपने दिवाली के लिए मंगाए हैं, लेकिन दिवाली नहीं, ये आपके डेली के मतलब अगर मेकओवर में आपको सजाना है घर को, लिविंग रूम को एक अच्छा सा लुक देना है, कोजी लुक देना है, तो उसके लिए आप ये बाय कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ, कुशन्स भी ऑर्डर किए थे पर वो अभी मिले नहीं है, और कुशन कवर पहले आ गए, वरना मैं आपको लगा के दिखा देती। तो ये है कुशन कवर, तो ये दिवाली को ही ध्यान में रख के मैंने मंगवाया है, तो ये लाइट और डार्क ब्राउन कलर का कॉम्बो है 5 का, तो 3 इसमें डार्क कलर हैं और 2 इसमें लाइट कलर हैं, तो इस तरह से है ये, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, जैसे पीछे डार्क लगा दिया आगे लाइट लगा दिया, काफी फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है, बहुत प्यारा लुक देने वाला है ये कुशन कवर, और हाँ इसके अंदर ना फोम भी लगी हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है इससे, और अंदर इस तरह से जिप क्लोजर मिल रहा है, तो ये 16x16 के कुशन कवर्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं जो भी साइज आपको मंगवाना है, तो इस तरह से है ये, तो ये तो लगाने के बाद ही पता चलेंगे। कुशन अभी मिले नहीं है तो अभी नहीं बता सकती कि ये कैसा लगेगा, बाकी देख लीजिए पास से, काफ़ी प्यारे हैं, वेलवेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मिले हैं मुझे 5 के सेट में ये मुझे मिले हैं, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए, आप लिविंग रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। फिर मैंने वही कहा कि ज़रूरी नहीं है दिवाली है तो ही यूज़ करें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डेली यूज में भी काम आती हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारा सामान है जो अभी पहुँचा ही नहीं है फेस्टिवल्स की वजह से, तो देखते हैं बाकी कब मिलता है। मैं अगर वीडियो बना रही हूँ ना, जिनके घर में बच्चे हैं वो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ या तो मेरे आसपास मेरा जो सामान है
वो तोड़िया फोड़ी में लग जाता है मेरा बेटा, या फिर अगर वो मेरे आसपास नहीं है तो वो सारे यहाँ से पोलोथीन वगैरह उठा के बाहर उसको पोलिथीन में ऐसे ऐसे सर पे पहने, तो उसके साथ वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है। और उसको मतलब जब वो स्कूल जाता है तब बहुत सारे काम होते तब भी नहीं बन पाती, और जब वो अगर या तो वो यहाँ है सामान को पूरे को इधर उधर कर रहा होगा कुछ तोड़ दे, डर लगता है बहुत ज़्यादा, और या फिर अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ से सारा कचरा वचरा उठा के बाहर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो बहुत डर लगता है। अच्छा ये बता रही थी मैं, ये मंगाए हैं मैंने, तो ये मैंने मंगवाए हैं शेयर कर्टेंस, तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था मुझे बिल्कुल वैसे। पहले तो मैंने वैसे वाले ले रखे थे जो ऐसे ऐसे लाइन zigzag वाली लाइन आती है, इस बार मैंने लिए हैं ये, और ये 450 या 500 में दो मिले हैं मुझे। ये 7 feet है, और एक दो का सेट मैंने 7 feet में मंगवाया है वो मेरे लिविंग रूम के लिए, और दो का सेट मैंने 9 feet में मंगवाया है वो मेरे मास्टर बेडरूम के लिए। तो ये है, और इसमें ना बहुत सारे कलर हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने बीच कलर लिया है, और इसका कितना प्यारा सा वो है मतलब पैटर्न जो इस पे बना हुआ है ना, बहुत प्यारा सा है, तो प्रॉपर शेयर भी नहीं है, डिज़ाइन आ रहा है पूरा इस तरह का है, तो बीच जो डार्क कर्टेंस मैंने लगा रहे हैं उनके साथ ही अच्छे से जाएंगे। इसमें व्हाइट कलर भी है, लेकिन मुझे मैंने कहा ना मुझे तो बीज ही चाहिए था, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे। इसके लिए तो मैं यही कहूँगी बहुत प्यारे कर्टेंस, अगर आप कर्टेंस ढूंढ रहे हो ना शेयर कर्टेंस इसके साथ जाइए, सस्ते का सस्ता टिकाऊ का टिकाऊ बहुत अच्छा है। 400-500 रुपये में दो मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए यार दो कर्टेन। तो कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं ना कि जो डार्क नहीं लगाना पसंद करते, सिर्फ शेयर लगाना पसंद करते हैं, तो यहाँ अपने ना बालकनी अगर बहुत प्यारी सी बालकनी है ना तो अपने लिविंग रूम में इस तरह के लगाइए, तो हवा से थोड़े से हिलेंगे ऐसे, बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत प्यारे। तो ये कर्टेंस मुझे बहुत अच्छे लगे, अभी मैं चेक कर लूँगी पहले कि सारी चीज़ें सही मिली हैं कि नहीं मिली। तो ये तो मैंने मिला है 4x7 में दो, और ये वाला है ये 9 feet लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मिला है मुझे 4x9 feet में, तो ये मेरे रूम के लिए, और ये वाले मेरे उसके लिए। एक और एक मैंने कर्टेंस ये लिए थे मैंने अमेजोन से, तो इनका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो ये 7 feet का है, और बिलीव मी गाइस 1100 रुपये में ये मुझे मिले हैं, 1100 रुपये के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, 2000 से नीचे के कर्टेंस नहीं है, बहुत प्रीमियम लुक देता है। आप देखिए इसकी शाइन, ये जैक्वार्ड सिल्क में है आई थिंक, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, इसका फ्लो भी बहुत प्यारा है, लगे हुए भी बहुत रिच लुक देते हैं ये। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे, लिविंग रूम में भी मैं इनको ऐड करने वाली हूँ, बहुत प्यारे लुक देते हैं ये वाले कर्टेंस, ये देखिए। तो इसमें भी 3-4 कलर हैं, सिर्फ गोल्डन भी है, मिक्स भी है, बहुत सारे ऐसे हैं तो आप ले सकते हैं, ब्लू भी है तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की और आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरी वीडियो प्रोग्रेस करे। मेरी वीडियो स्टक हो गई हैं, कुछ वीडियोज़ मेरी स्टक हो गई हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। आप तो वहाँ पर क्लिक करेंगे लेकिन मेरे लिए वो क्लिक बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को आगे प्रोग्रेस करेगा, इस प्रोफेशन में मुझे ग्रोथ मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल अगर देख रहे हैं आप मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और लाइक भी ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कोई सजेशन, कोई यूट्यूब से रिलेटेड क्या कंटेंट आप देखना, किस तरह के हॉल वीडियो आप देखना चाहते हैं, या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, या फिर अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपके अप्रिशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्ते, अपना ख्याल रखिए।